पर्सनल लॉ, वो भी आप वैसे कहने को वहां है कानून, लेकिन यह कि बिलफेल एक आदमी चाहे तो इस्लामी कानून पर अमल कर सकता है। इनहेरिटेंस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दस्तूर में तय है हाकमियत अल्लाह की, गोया के नजरी एतबार से वो मुल्क जो है वो अल्लाह की हाकमियत पर मबनी है। करारदाद मकासिद दस्तूर का जुज बन चुकी है। लेकिन फिर नोट कीजिए, रिश्वत है, ये है, वो है, जुल्म है, ना इंसाफी है, ये सब अपनी जगह। मैं इस शरीयत की बात कर रहा हूं। एक आदमी खुद वहां रहते हुए चाहे भूख आए, तकलीफ आए, मुसीबत आए, उसको हर वक्त जो है गुस्सा आता रहे, ये क्यों टेलीफोन का बिल जो मुझे ज्यादा आ गया, ये क्या हो गया, मेरी जो है मेरी तो कंफर्म सीट थी, ये क्या कर रहे हैं यहां पर कि मुझे बता रहे हैं कि सीट नहीं है, वगैरह वगैरह सब कुछ। लेकिन आप शरीयत पर अमल कर सकते हैं, तकलीफ उठाकर, मुसीबत झेलकर, पेट काटकर, फाका करके, जो भी है। बड़ा कारोबार नहीं कर सकते, छोटा तो कर सकते हैं, जिसमें ना इनकम टैक्स का मामला आएगा, ना किसी और की खबासत आएगी, ना कुछ और होगा, कर तो सकते हैं, पेट पाल सकते हैं। ये एक मुल्क है पाकिस्तान। फिर यह कि नजरी तौर पर वहां अगरचे बिलफेल नहीं है, नजरी तौर पर करारदाद मकासिद, सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह। अब इसके बाद वो मुल्क आते हैं कि जो खालिस सेक्युलर है, लेकिन इनमें भी मेरे नजदीक एक एतबार से भारत बहुत बेहतर है। मसलन ये कि दो हिस्सों, दो मुल्कों को जेहन में रख लीजिए, एक अमेरिका या अमेरिका की तरह इंग्लिस्तान और फलानिस्तान और फलानिस्तान ऑल, एक भारत सेक्युलर है, लेकिन कम से कम आज की तारीख तक मुसलमाना ने, भारत ने अपना पर्सनल लॉ महफूज रखा।